इंडियन कुकिंग सीक्रेट्स बाई सावित्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक से नई रेसिपी, और इसको मैंने धुल लिया है। धुल के इसको अब हम काटेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। ऐसी रेसिपी जो सभी को पसंद आएगी, आज तक आपने इसे खाई नहीं होगी, आपने बनाई भी नहीं होगी, मैं आज बताऊंगी आपको नई रेसिपी। तो अब हम चलते इसे काटने के लिए, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको फिर से बताऊंगी। ये पालक हमने काट ली है, अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा होता है ना। थोड़ी देर के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे नमक मिलाने के बाद, ताकि इससे पानी कुछ निकल जाए और ये मुलायम हो जाए, थोड़ी नरम पड़ जाए, क्योंकि अभी कच्ची है, मैंने उबाली नहीं है इसको। और ये लिए मैंने कुछ मसाले इसमें डालने के लिए, 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, 1 ग्रेटेड अदरक और 10 से 15 कलियाँ ये लहसुन की, 2 से 3 हरी मिर्ची और 1 प्याज मीडियम साइज़ का लिया है। तो इनको हम सबको काट के, और इसमें कुछ मिलाने के लिए मुझे ये, आपने लौकी के कोफ्ते तो अभी तक बहुत खाए होंगे, लेकिन अब आप पालक का भी नहीं खाया होगा ना। तो अब चलिए देर किस बात की, हम पालक का कोफ्ता बनाते हैं फिर खाते हैं। तो हम इन सबको मसाला काट के फिर हम आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। इस पालक का अब हम पानी निकालेंगे, इसने कितना पानी छोड़ दिया है, तो अब इसका पानी हम निकाल लेते हैं। मैंने 1 पाव पालक ली थी, इसका पानी ही निकल चुका है। आप ऐसे ही पानी में बना लेती तो आपको इसमें बेसन ज़्यादा हो जाता और पालक का टेस्ट कम आता। देखिए ये पानी है और ये बेसन है, इसमें अब हम मिलाएंगे, इसमें हींग डालेंगे, हींग डाल दिए और पालक में अब ये बेसन, मैंने 4 से 5 चम्मच भर के बेसन लिया है। अब देखते हैं इसमें कितना लगता है। ऐसे ही हम पूरा बेसन मिला लें। इसमें मैंने ये सरसों का तेल लिया है, 1 चम्मच डाल देंगे, ताकि ये कोफ्ता नरम नरम बने और ये हाथों में ना चिपके। अब इनके हम गोले बना लेंगे। देखिए इनके अब हम ऐसे गोले बनाएंगे, यदि पानी ना निकालते तो ऐसे गोले बनते नहीं, इसलिए हम ऐसे ही पूरे गोले बना के रखेंगे, छोटे बड़े जैसे आपको बनाना हो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। देखिए मैंने ये पूरे बना लिए हैं, और इधर गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब देखते हैं तेल गर्म हुआ या नहीं, ये मीडियम हॉट चाहिए हमें। देखिए हो गया है, तो इसी में अब हम डाल देंगे एक एक करके। लीजिए ऐसे ही हम बना लेंगे पूरे, और इन्हें जब तक ये नीचे से ना सिक जाए, तो इनको तब उस टाइम तक इनको टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये टूट जाएंगे बीच में। ये नीचे से सिकने लगे, अब इनको हम पलट देंगे, ताकि इस साइड से भी सिक जाए। इनका कलर चेंज हो गया है, लीजिए मैंने इनको पलट दिया, ऐसे ही धीरे धीरे सिक जाएंगे। हम दोनों बैच ऐसे ही सेक लेंगे। देखिए कितने बढ़िया ही सीख चुके हैं। अब ऐसे ही हम दूसरा बैच इसमें डाल देंगे। देखिए दूसरा बैच भी हम निकाल लेते हैं।
कि तैयार हो गए। अब ये तेल ज़्यादा है, इसमें तो मसाला हम सब्जी बनाएंगे नहीं, तो इस तेल को हम दूसरे बर्तन में खाली करेंगे, इस तेल कढ़ाई में कम करेंगे। लीजिए सेम कढ़ाई रख दी है, इसमें हम डालेंगे सबसे पहले हींग। हींग से सब्जी का टेस्ट बढ़ता है, तो मैंने हींग डाल दी है। और उसके बाद हम डालेंगे जीरा, तो ये जीरा डाल दिया है, जीरा कड़क रहा है, तो इसमें हम डालेंगे लहसुन जो मैंने काटे थे। मेरे लहसुन पतले थे और छोटे थे, इसलिए मैंने 10 से 15 कलियां काटी हैं। आपके बड़े और मोटे हों तो आप 10 ही कलियां काटें। लीजिए ये लहसुन भी डाल दिया है इसमें, ये लहसुन भुन रहा है। मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्च, एक मिनट इसको भी भून लेते हैं। देखिए हरी मिर्च और लहसुन भुन चुका है, इसका कलर चेंज भी हो गया है। इसमें डालेंगे प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक काटा था, ये प्याज भी डाल दिया है। अब हम प्याज को भुनने देते हैं। जब ये प्याज अच्छे से गोल्डन कलर का हो जाएगा, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगी। कि धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1.5 चम्मच, आधी चम्मच, और ये हल्दी पाउडर आधी चम्मच। और आप मसाला अपने हिसाब से डालें, आप जैसा कम या ज़्यादा खाते हो। ये नमक स्वाद अनुसार, नमक मैंने स्वाद अनुसार डाल दिया है। देखिए प्याज बस भूनने वाला है। ये जो ड्राई मसाले हैं, इनको हम थोड़ा सा पानी डाल के इनको गीला कर लेंगे, ताकि ये मसाले फूल जाए। लीजिए इनको हम अच्छे से घोल लेते हैं। डालेंगे ये अदरक, अदरक डाल दी है, और ये मसाला देखिए इसको भी हम डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी कटोरी धुल के, ताकि मसाले जले भी ना और वेस्ट भी ना हो। लीजिए एक काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, मैंने तीखी मिर्ची डाली है। आपके यहाँ बच्चे हैं तो आप वो ना डालें या कम डालें। मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये कसूरी मेथी, जिसको दोनों हाथों से करके डाल दिया है। देखिए मसाला में तेल छूट दिया है आसपास से, अब हम ये डाल देंगे। तो मैंने पूरे के पूरे छोड़ दिए, एक पाव अलग के बनाए हैं। आपके घर में जैसे यूनिट हो, कम या ज़्यादा, आप उसी तरह से बना सकते हैं, लेकिन बनाइएगा आप जरूर। एक मिनट के लिए इनको हम ऐसे मसाला में मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाला का टेस्ट इनमें चला जाए। अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी, ठंडा नहीं, गरम पानी, क्योंकि ये फूटते हैं। लीजिए अब इसमें एक उबाल आने देंगे, फिर आगे का प्रोसेस आपको हम दिखाते हैं। सॉरी मैं इसमें टमाटर डालना भूल गई, जो मैंने अलग से थे। देखिए ये टमाटर मैंने अलग से भून लिए, पहले मसाले में डालना भूल गई। आप बनाए तो आप मसाले के साथ ही भूने, इसलिए मैंने दोबारा दूसरी कढ़ाई में भून के और इसको डाला है। बस इसमें 2 मिनट और उबाल आने देंगे, उसके बाद आपको हम फिर दिखाएंगे। देखिए और मैंने ये गरम मसाला इसमें डाल दिया है,
कुछ हरी धनिया, एक मिनट इसे हम और पकने देंगे और बस हम बंद कर देंगे। तैयार हो गई है बन के, गैस की फ्लेम को हम करते हैं बंद और इसे ढक देंगे ऐसे, ताकि धनिया की खुशबू उसमें सब्जी में हो जाए और सब्जी का टेस्ट और ज़्यादा ही बढ़ जाए। लीजिए, इसको मैंने डोंगे में कर लिया है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। लीजिए, आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, और यदि आपको ये सब्जी ना बनानी हो तो आप केवल आप कोफ्ते चाय के साथ भी खा सकते हैं। मुझे सब्जी बनानी थी इसलिए मैंने इसकी ग्रेवी बनाई है, और आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। लीजिए, आज से आप बनाइएगा ज़रूर, और अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय कीजिए प्लीज़।